हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवदीप। आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं, हाइलरोनिक एसिड। ये मिनिमलिस्टिक का हाइलरोनिक एसिड है। ये हाइलरोनिक एसिड जो 2% हाइलरोनिक एसिड है प्लस विटामिन B5। ये मैंने मिनिमलिस्टिक की ही साइट से मंगवाया था। ये मेरे को कुछ ऐसी बड़ी सी पैकेजिंग में आया था, प्रॉपर इसको सील किया हुआ था, फिर उसके अंदर ये इसकी पैकेजिंग थी। इसमें जो इसका रेट दिया हुआ है 599 दिया है, बट मेरे को ये ऑफर में 500 समथिंग का पड़ा है, मतलब 600 से कम का ही पड़ा है मेरे को ये। तो ये जो हमारा हाइलरोनिक एसिड है, ये अलग अलग परसेंटेज में आता है। तो अगर आप जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होएगा, 2% मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये इजीली हमारी स्किन में अब्सॉर्व कर जाएगा। अगर आप चेक करोगे, अगर 5% है, 10% है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका ज़्यादा होएगा, उतना ही उसको एब्जॉर्ब होने में कम ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप जब भी लो तो उसको चेक करके लो कि इसमें 2% हाइलरोनिक एसिड है। ठीक है, तो इसके जो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसका मेन हाइलरोनिक एसिड का काम है कि जो आपके स्किन के जब एजिंग होगी आफ्टर 25 या 30 इयर्स, उसमें आपके जो है मॉइस्चर कंटेंट जो कम होना शुरू हो जाता है, कोलेजन जो है उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं कोलेजन बूस्टर्स के, इंजेक्शंस लगते हैं आजकल, वेम्पायर फेशियल काफ़ी फेमस हो चुका है। उसमें से हम ब्लड कहीं और से निकाल के हमारी स्किन में इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी फाइन लाइंस, रिंकल्स, वो सब जो है रिमूव हो जाते हैं। तो उसका ही एक सब्स्टिट्यूट है, बट टाइम टेकिंग है। तो उसका सब्स्टिट्यूट है ये मिनिमलिस्टिक एसिड। ठीक है, ये जो है बाहर के वाटर मॉलिक्यूल्स को इनैकुलेट कर देता है। ये एक एक्ट करता है इनैकुलेंट। इनैकुलेंट का क्या मतलब है, जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको ये इकट्ठा करके जो है हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, जो हमारी जो फाइन लाइंस हैं, जो हमारे रिंकल्स आ चुके हैं एजिंग की वजह से, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है सनबर्न की वजह से, तो इससे ये उसको क्योर करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये आपको एक टाइम लगाने से, दो टाइम लगाने से ये आपको इमिडिएट रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा। ये आपको 2-3 महीने तक यूज़ करेंगे, तब आपको जाके रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इसका लगाने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। पैड ड्राई करना है, पूरा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। उसके बाद आप जो है अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा, ये जैसे इसकी क्वांटिटी देखेंगे हम, ये कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंट क्वांटिटी में आएगा। इसको हम लगा के इसको हम अच्छे से मसाज कर लेंगे। ठीक है, मसाज होने के बाद हमने क्या करना है, कोई भी अच्छा सा आपके पसंद का जो भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, मैं यहाँ पे लोटस का यूथ प्रिजर्व ड्रीम फेस क्रीम लगा रही हूँ, इसको हम थोड़ा सा लेके, ताकि जो हमने मिनिमलिस्टिक लगाया है, मिनिमलिस्टिक का हाइलरोनिक एसिड लगाया है, वो इवेपोरेट ना करे। ठीक है, तो हम इसको कवर कर लेंगे और हम इसको रात को सोने से पहले या आप दिन में भी लगा सकते हैं। अगर आप दिन में लगाना चाहते हो तो प्रॉपर उसको सनस्क्रीन लोशन से कवर करें, ताकि जो हीट का डैमेज है वो हमारे हाइलरोनिक एसिड तक ना पहुंचे। ठीक है, एंड इसको आप यूज़ करें, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसको यूज़ किया है एंड मुझे एक दो बार में ही अपनी जो स्किन में बहुत प्लम्पीनेस नज़र आई, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस मुझे अपनी स्किन में फील हुई। ठीक है, तो ये था हमारा मिनिमलिस्टिक का हाइलरोनिक एसिड का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके रिव्यूज़, इसको यूज़ करने के बाद आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।